निर्यात बंदी हटते ही नासिक प्याज मंडी पहुंचा दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल। केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद 6 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, जिसके लिए NCCF चेयरमैन विशाल खुद आज नासिक जिले के कई मंडियों में अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों और व्यापारियों से बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याओं को भी जाना। विशाल सिंह आज नासिक की निपहत तहसील के पिपला गांव में गए, जहां उन्होंने तमाम किसानों और व्यापारियों से बातचीत की। NCCF की एक टीम NCCF के चेयरमैन विशाल सिंह के नेतृत्व में नासिक, पीपल गांव, उमराड़े, लासल गांव का निरीक्षण किया। नासिक की कई प्याज मंडियों पर एक महीने से बंदी थी। प्याज मंडी में प्रतिनिधि मंडल किसान, व्यापारी और मजदूरों से बातचीत की। प्याज मंडी में प्याज के स्टॉक की बात की। किसानों को हो रही समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। प्याज व्यापारी और हमाल के विवादों के कारण भी नहीं हो रही थी नासिक में प्याज की नीलामी। पहले बफर स्टॉक 3 लाख मीट्रिक टन था, उसको बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जिसके अंदर अकेले NCCF 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योर करेगा और हम लोग 7 तारीख से अपने प्रोक्योरमेंट शुरू करने वाले हैं। तो ये मैकेनिज्म क्या होगा, पेमेंट कैसे होगा? मैकेनिज्म DBTs के थ्रू ही, जो हमारा पुराना मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म तो वही रहने वाला है। उसी के हिसाब से है। 45 mm है। महाराष्ट्र के किसान का जो पैदावार, जो प्याज होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ पैदावार उसके अंदर क्वालिफाई करेगा। उसमें किसानों को कोई दिक्कत ऐसी होने नहीं वाली है। ये बहुत सिंपल और पुराने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो किसानों के लिए। सर, इससे पूरे ओनियन मार्केट में किसानों को क्या फायदा? उसके अंदर अभी देखिए एक्सपोर्ट ओपन हो गया है, तो उससे वैसे ही मार्केट, सिर्फ इस खबर से हम लोग सुन रहे हैं कि मार्केट ऊपर होगा। मंडे को मार्केट जब खुलेगा तो एक्सपोर्ट के लिए भी है, और वही प्राइस का मैकेनिज्म जो होगा वो NCCF का जो 3-day मॉडल है वो मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो day 1 पे जो प्याज आएगा, चाहे वो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक्सपोर्टर्स के लिए होगा, जो अदर देन एक्सपोर्ट का प्याज है वो भी उसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास रहेगा और हम उसे खरीदेंगे। तो अगर कोई प्राइस पहले कम था तो वो आप 24 रुपये, अगर स्पेकुलेशन के हिसाब से 24 रुपये है तो उस हिसाब से 24 रुपये। जो फार्मर्स अपना प्याज बेचना चाहता है वो कौन से सेंटर पे जाए और सेंटर कहाँ पर? वो सेंटर्स की लिस्ट हम लोग पब्लिश करेंगे और NCCF के ट्विटर अकाउंट पे भी हम उसे अपलोड करा देंगे। हमारा ऑफिस इंश्योर कराएगा कि ट्विटर अकाउंट पे NCCF की वो हो। सरकार ने बफर स्टॉक की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। नाफेड और NCCF खरीदेंगे रबी का कुल 5 लाख मीट्रिक टन प्याज, सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की घोषणा। 7 मई 2024 तक खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।